धन इंडिया। सर वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एनिमेशन है ना सर, सर उसका एक्सीडेंट हो गया सर। क्या? देख जो कुछ भी हुआ ना तेरी अपनी गलती के वजह से हुआ, समझ रहा? और याद रख, देख अगर हम में से किसी का भी नाम आया तो याद रख आना तुझे हॉस्टल ही है, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? गुड बॉय। आप सब लोग बाहर जाइए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक सेकंड। बड़े देखिए, हम तेरा हॉस्टल में इंतजार कर रहे हैं। अनिमेश कैसे हुआ ये सब बताओ, कैसे हुआ ये सब? डॉक्टर आई होप इसे सीरियस इंजरी नहीं हुई है। छोटी मोटी चोटें हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। अनिमेश कैसे हुआ ये सब? सर वो एक्चुअली क्लास के लिए लेट हो रहा था तो एक्चुअली पता नहीं लगा और गाड़ी से टकरा गया। ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज पेरेंट्स को इन्फॉर्म मत कीजिए सर, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमें तो सर प्लीज। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम आराम करो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। कॉलेज के दिन हमारी जिंदगी और जवानी के सबसे हसीन दिन होते हैं, बेफिक्री और मौज मस्ती के दिन। और इस दौर में हम अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे और जिगरी दोस्त बनाते हैं। कॉलेज की यादें हमेशा हमारी आंखों में चमकती रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये यादें एक भयानक अनुभव बन जाती हैं। अनिमेश वर्मा अपने माता पिता की इकलौती संतान था, एक होनहार स्टूडेंट जो हमेशा स्कूल में अव्वल आया करता था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसने पहली ही बार में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और दिल्ली के एक नामी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। लेकिन उसे अभी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब उसके जीवन का हर पल आतंक के साए में गुजरता था। आखिर किस बात का था ये डर? रजनी जी, अरे मेरी फाइल कहाँ है, देर हो रही है। पीजे अपनी चाय, मैं फाइल लेके आती हूँ। थैंक यू। मेरे स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर के रिजल्ट्स हैं इसमें। अगर आपके स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि आप कितने भुलक्कड़ हैं ना, सच में उनका दिल टूट जाएगा। भुलक्कड़ और हम, प्रोफेसर अविनाश वर्मा, भूल गई आप? क्या? बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिला है मुझे। आप भूलने कहा देते हैं। बाय द वे ये अवार्ड आपको 12 साल पहले मिला था। मिला तो था ना। चलते हैं। आ, बिना जूते के जाएंगे। भुलक्कड़ कहीं के। जल्दी जल्दी आराम से चाय पीजिए, मैं जूते लेके। जल्दी 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 दीजिए। आप नहीं हो तो पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या बात, परेशान लग रही हैं? एक महीने से ज्यादा हो गया अमित को हॉस्टल गए हुए, ना कोई फोन है ना कोई खबर। सच में मुझे उसकी कभी कभी ना बड़ी चिंता हो जाती है। अब आप ना ऐसी छोटी मोटी बातों पे चिंता करना छोड़ दीजिए। अभी तो गया बेचारा, अभी तो ठीक से सेटल भी नहीं हो पाया होगा हॉस्टल में। लेकिन एक फोन तो कर सकता था ना। अरे भाई पढ़ाई कर रहा होगा, भूल गया होगा, आ जाएगा फोन। एक बात बताइए, जो दूर है उसकी तो खूब फिक्र है आपको, लेकिन जो पास है उसकी भी तो कभी चिंता कर लिया कीजिए। आइए, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं आप। आ जाएगा, डोंट वरी। बाय। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? निशा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। क्या? आई मीन क्यों? वो लड़के कुछ नहीं।
एक मिनट अनिमेश, मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है मुझसे ना सही, पर प्रिंसिपल सर से कह सकते हो ना? हमसे दूर रहो। दरवाजा खोलेगा भाई, मैं सुंदर हूं सुंदर। भाई दरवाजा क्यों लॉक किया था? मैं भी यहां रहता हूं यार। वो बस वैसे यार, मतलब क्या बात, तू आज क्लास अटेंड करने भी नहीं आया, खाने भी नहीं आया, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ यार, बस वो थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब थी तो, बट आई एम ऑल राइट। तबीयत ठीक तो है यार, कुछ भी तो नहीं हुआ। और वैसे भी अगर कुछ हुआ भी होगा ना तो भी चलना होगा। समझा नहीं तेरी बात, मतलब कहाँ पे जाना होगा? मैं सॉल में चलना है। देखिए मैं नहीं जा पाऊंगा, प्लीज तू चला जा। मैं नहीं भाई, सीनियर्स ने बुलाया, कैसे नहीं चलेगा? तुझे एक बार बोला ना मैं नहीं आ पाऊँ। सॉरी यार मैं नहीं जा पाऊंगा, तुझे पता मेरी तबीयत खराब है। चल ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ठीक है बैठे रहोगे, आएगा ना बाहर कभी ना कभी। अनिमेश, अनिमेश दरवाजा खोल, अनिमेश अंदर आए दरवाजा तोड़ के। हेलो। हेलो पापा। अनिमेश, अनिमेश हाँ बेटा, कैसे चल रहा है कॉलेज? सब सेट हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे मुझे मालूम है बेटा, तुमने सब अच्छी तरह से मैनेज कर लिया होगा। अरे जब इतना बड़ा एंट्रेंस तुमने क्लियर कर लिया तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, और अब तक तो काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है सबसे। मुझे दीजिए ना। अरे ये क्या है? बहाने बात करी। अनिमेश कैसे हो बेटा, क्या हो गया? इतने दिनों से तुमने कोई फोन नहीं किया, कोई खबर नहीं। हाँ हम सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, मैं बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। मैं वापस आना चाहता हूँ माँ। बात नहीं करने देते, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं वापस आ जाना चाहता हूँ। क्या है? इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट होती है आपकी। बेटा नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करना, हम सबको तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तुम अपने खानदान के सबसे पहले डॉक्टर होने जा रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, लो लो मम्मी से ही बात करो, मम्मी भी यहाँ परेशान। लो लो। अनिमेश मुझे ये बताओ तुम ठीक से खाना खाते हो कि नहीं? दुबले उबले तो नहीं हो गए हो ना? जैसे भेजा था बिल्कुल वैसे ही हो। थैंक यू वेरी मच सर, हम जानते हैं कि इसकी किस्तें चुकाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन एक ही तो लड़का है हमारा, जिसके भविष्य से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। अनिमेश क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? मां सब ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मैं क्लास के लेट हो रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ बाय। बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर आया था अनिमेश, लेकिन रैगिंग नाम का ये राक्षस उसके सारे सपनों को एक एक करके खोखला करता जा रहा था। अनिमेश की तरह ना जाने कितने स्टूडेंट्स रैगिंग के डर से अपनी हिम्मत खो बैठते हैं और उनका पूरा व्यक्तित्व मुरझाने लगता है। इन हालात में अमूमन जो गलती आम स्टूडेंट्स करते हैं वही गलती अनिमेश ने भी की। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, अगर उसने बताया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती।
चुप रहने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, उल्टा और बढ़ती है। माता पिता से नहीं तो कम से कम कॉलेज प्रशासन से इस बात की शिकायत अनिमेश को जरूर करनी चाहिए थी। हम आपको बता दें कि आज रैगिंग कानूनन अपराध और स्कूल कॉलेजेस को इसकी शिकायत पर कड़े कदम उठाने के निर्देश हैं। रैगिंग के दोषी स्टूडेंट्स को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है और इतना ही नहीं, अगले 5 सालों तक उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिल सकता। और मामले की गंभीरता को देखते हुए रैगिंग के दोषी स्टूडेंट्स को 2 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। कानून और कॉलेज प्रशासन रैगिंग को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। शर्म, डर और झिझक के मारे अनिमेश ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब कुछ सहता रहा। नतीजा, हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। अनिमेश, क्या बात है? ऑल ओके ना? देखो, अगर तुम कुछ कहोगे नहीं वैसे काम कैसे चलेगा? और अपनी फ्रस्ट्रेशन को ऐसे दबा के नहीं रखना चाहिए। तो क्या करूं? नहीं करनी मुझे इधर पढ़ाई, नहीं रहना चाहता मैं इधर। तो छोड़ दे ये कॉलेज। नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे सपने पूरे करने के लिए अपने सपने दांव पे लगा दिए। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए जाने कितने आंसू रोए। कैसे तोड़ दूं वो सारे सपने जो उन्होंने मेरे लिए देखे थे? अनिमेश, अनिमेश, हेलो। हेलो पापा, हाउ आर यू यंग मैन? पापा मैं ठीक हूँ, पापा मैं घर आ रहा हूँ। सच? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। कब आओगे? छुट्टियां कब से हो रही है? ये बात करा ना, मैं दीदी ना मुझे। अरे पहले मैं आपकी वाइफ हूँ, पहले मैं बात। अनिमेश। हेलो मम्मा। अच्छा मम्मा, मैं दिवाली की छुट्टियों में 10 दिनों के लिए घर आ रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू आ जा, तुझे देखे हुए ना बहुत दिन हो गए बेटा। अच्छा फोन दी। बेटा कब आ रहे हो तुम? पापा नवंबर की 12 तारीख को है। अच्छा एक काम करो, कोच नंबर और बर्थ नंबर बताओ जरा अपना, मैं आऊंगा स्टेशन। पापा लिख लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस P3 और बर्थ नंबर 45। ओके बेटा, और ठीक से आना संभाल के। हाँ ठीक है पापा। अच्छा पापा मैं फोन रखता हूँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। अरे आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं अनिमेश को लेने के लिए? इंक्वायरी में पूछ रहा था ना। तो पूछ लिया ना, हो गया, जाइए वो आ जाएगा स्टेशन पे, थका होगा भूखा होगा समझिए ना, इसीलिए उसके पसंद की चीजें बन रही है। हाँ अब जाइए। चाहता अकेले? अनिमेश कहाँ है? अनिमेश, अनिमेश, देखिए मजाक मत करिए, बताइए ना अनिमेश कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं क्या क्या मतलब है, बताइए ना भाई। शायद वो उस ट्रेन से आया ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आया? आपने स्टेशन पे ठीक से ढूंढा ना उसे? अरे हाँ भाई, अब या तो उस ट्रेन से नहीं आया या फिर जब उनका फोन आएगा तो आप उसे पूछ लीजिए। अगर उसे नहीं आना होता ना तो वो कब का फोन कर देता, आपको पता है ना उसकी आदत। तो फिर जनाब के दिमाग में कोई और प्लान होगा, आपको सरप्राइज करना चाहते होंगे। अनिमेश के माता पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन ना तो अनिमेश आया ना ही उसका कोई फोन। कॉलेज में अनिमेश रैगिंग के डर के साए में जी रहा था, तो फिर उसके लिए तो ये छुट्टियां और घर पर गुजारा जाने वाला समय एक बहुत बड़ी राहत होती। तो क्यों नहीं आया अनिमेश? आखिर कहाँ था अनिमेश? हेलो, हाँ मैं अविनाश वर्मा बोल रहा हूँ। जी अनिमेश वर्मा का फादर। हाँ रूम नंबर 7 फर्स्ट ईयर। हाँ सर एक मिनट होल्ड कीजिए।
पता कर रहा है। हाँ हेलो साहब। हाँ उनका रूम लॉक्ड है। हाँ वो दिवाली की छुट्टी है ना तो सब अपने घर गए हुए हैं। हॉस्टल में कोई स्टूडेंट नहीं है क्या? हाँ साहब वो तीन चार लड़के हैं तो। लेकिन उनमें अनिमेश कौन है ये मुझे नहीं पता। हॉस्टल में कौन कौन है पता ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ रहकर कुछ पता नहीं चल पाएगा, मुझे दिल्ली जाकर पता करना होगा। जा रहे हो? मैं अविनाश वर्मा, शायद आपसे ही बात हुई थी मेरी। अच्छा वो आप ही का फोन आया था ना? हाँ बताइए। वो जो आपने बताया था यहाँ दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टियों में घर नहीं गए, उनमें मेरा बेटा अनिमेश वर्मा नहीं है? साहब वो तीन लड़के आते ही होंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। हेलो, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ अंकल, हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं अविनाश वर्मा, अनिमेश वर्मा का फादर। जानते हैं आप उसे? अनिमेश वर्मा? जी हाँ सर जानते हैं, लेकिन वो तो घर गया हुआ है अपनी छुट्टियों के लिए। नहीं वो घर नहीं पहुँचा। अच्छा वो उसका रूममेट कौन है जानते हो? उसका रूममेट तो सुंदर है लेकिन वो तो पहले ही घर चला गया अंकल। नहीं यहाँ घर नहीं आया, क्यों वहाँ हॉस्टल में नहीं है क्या? अच्छा हम आपको बाद में फोन करते हैं। अरे लेकिन फोन करते हैं आप। प्रिंसिपल से मिलना होगा। हो सकता है किसी वजह से आपका बेटा घर नहीं आया, मतलब किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने गया हो। आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं, आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चों को। सर मैं अपने बेटे को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं है। बिना बताए तो दुकान से पेन लाने भी नहीं जाता है सर वो। आप परेशान मत होइए, वो जल्दी घर आ जाएगा। प्रोफेसर अविनाश ने तीन दिनों तक हॉस्टल के चक्कर लगाए पर अनिमेश का कहीं कुछ पता नहीं चला। प्रोफेसर अविनाश का डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि ना अनिमेश घर पहुंचा था ना अपने हॉस्टल वापस आया था। तीन दिनों बाद प्रोफेसर अविनाश के सब्र का बांध टूट ही गया। देखिए मैं आपके बेटे की मिसिंग रिपोर्ट तो फाइल कर दूंगा, लेकिन आप बात को समझिए, आपका बेटा जवान है, हॉस्टल में हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया। मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं सर मेरा अनिमेश ऐसा नहीं है, पर अगर दोस्तों के साथ बाहर गया होता तो मुझे एक फोन जरूर करता हूँ। ठीक है मिस्टर अविनाश, चलिए देखते हैं। प्रोफेसर वर्मा मुझे लगता है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको पुलिस में खबर करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। वॉचमैन बोलो आइए। इंस्पेक्टर साहब ये मेरे बेटे का सामान, ये देखिए घड़ी, टिकट भी यहाँ पड़ा है। ये सामान छोड़ के कहाँ जा सकता? सवाल तो उठते हैं। तुम दोनों यहाँ आओ। तुम दोनों ने अनिमेश को आखिरी बार कब देखा? सर छुट्टी के एक दिन पहले ही देखा था, और उसके अगले दिन हम लोग छुट्टी के लिए बाहर चले गए थे। फिर सर दो दिन बाद वापस जब हम लोग लौटे तो उसका कुछ पता नहीं। छुट्टियां कब खत्म हो रही है? तीन दिनों के बाद। अरे तेरा रूम पार्टनर किधर गायब हो गया? मतलब ये कि ना वो घर गया ना हॉस्टल में है, उसके पापा ढूंढ रहे थे। और यही नहीं पुलिस भी यहाँ तक ढूंढते हुए आई थी। क्या बात कर रहा है यार? हाँ। लेकिन यार ये अनिमेश गायब कहाँ हो गया यार? चूहा कहीं बिल में घुस के बैठा होगा। हंस रहे सब के सब। इसे क्या हो गया? कल हॉस्टल में पुलिस आई थी यार। तो क्या हुआ पुलिस आई थी? नमस्ते अंकल, मैं सुंदर, अनिमेश का रूममेट। सर जिस रात अनिमेश जाने वाला था उसी दिन मेरी सुबह की ट्रेन थी, मैं तो सर सुबह ही निकल गया था इसलिए जाते वक्त उसे देख नहीं पाया। पर सर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन सी बात?
आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपको बताया। डर डरो मत, तुम्हें जो कुछ भी बताया मुझे सच सच बताओ। सर कुछ दिन पहले सीनियर्स ने मिनेश को खूब मारा था और धमकी दी थी कि ये बात किसी को ना बताए। तुम उनके नाम जानते हो? यस सर। सर हमने अनिमेश के साथ कोई मारा मारी नहीं की है और ये सब झूठ है सर। देख मनोज, सच और झूठ का फैसला तू मत कर। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर हम तो सौरव की वजह से अनिमेश को सबक सिखाने गए थे। ये क्या बोल रहा था? तो सौरव आप बोलिए। सर एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ सर, कॉलेज में, निशा नाम है उसका सर। और ये अनिमेश ना सर हमेशा उसके साथ चिपका रहता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो गुस्से में तूने अनिमेश को गायब कर दिया है? सर मैंने गायब नहीं किया सर उसे, बस उसे धमकाया, मारा, पीटा और छोड़ दिया उसके। उस लड़की का नाम क्या बताया? सर उसका नाम निशा है सर। निशा क्या अनिमेश गायब है? हाँ सुना है तुम और अनिमेश अच्छे दोस्त हो। हाँ सर अनिमेश अच्छा लड़का है इसलिए हम दोस्त हैं, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मुझे सच में नहीं पता कि अनिमेश कहाँ है। बेटा उसका कोई फोन वोन आया तुम्हारे पास? नहीं अंकल, एक्चुअली छुट्टी शुरू होने से 3 दिन पहले मैं घर आ गई थी, मुझे उस कॉलेज में वापस दोबारा जाना भी नहीं है इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। निशा तुम कॉलेज छोड़ना क्यों चाहती हो? उस माहौल में रह के पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, सीनियर्स की रैगिंग की वजह से हम तंग आ गए थे और अनिमेश भी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? वही हुआ था जो हर हॉस्टल और हर कॉलेज में होता है, रैगिंग। इधर आ, इधर आ, इधर। चलो सब जल्दी जल्दी यार। सुनाई नहीं देता है क्या? लाइन में रहे। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। सब चल 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 इधर आ, इधर आ। अबे उधर क्या देखता है, इधर आना। कौन सी ईयर है तेरा? ये निकल, चल शर्ट उतार दे। सर प्लीज शर्ट। अरे तेरी यहाँ पर बहने भाभियाँ हैं सब। मैंने अनिमेश से कहा था कि वो प्रिंसिपल सर को सब कुछ बता दे, पर सीनियर्स की डर की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से आज उन सीनियर्स की हिम्मत बढ़ती चली गई। अंदर क्या कर रहा था है? देखते रहे, सारे लोग इंतजार कर रहे। अरे तेरे लिए पार्टी शार्टी पूरी मैंने रखी। पार्टी शार्टी करेंगे आराम से। अब ये देख सारी सारा इंतजाम किया मैंने, सारा इंतजाम किया और तू अंदर छुपा बैठा है। अरे योगेश कहाँ है? अरे बोतल लाना खड़ा क्या? लाना भाई के लिए, आज पूरी पार्टी का इंतजाम है। ये कैसा मजाक है? अनिमेश हमेशा ऐसे चुप रहते हो क्या? अच्छा ठीक है चलो कैंटीन चलते हैं। निशा तुम जाओ यहाँ से। क्यों? जाओ यहाँ से, मुझे इससे काम है थोड़ा। नहीं मैं नहीं जा रही पुलिस को जाने के लिए, जाओ यहाँ से। निशा तुम जाओ। नहीं बात बोला तेरे को। अनिमेश के कहने पे मैं चुप तो रह गई पर उसके बाद जो हुआ फिर हम दोनों चुप नहीं रह पाए। ऐसा क्या हुआ उसके बाद? सर कुछ दिन बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था, सीनियर्स ने रैगिंग भी बंद कर दी थी और अनिमेश ठीक भी हो गया था और हम दोनों अपने पढ़ाई में लग गए थे। फिर एक दिन सारे जूनियर्स को लाइब्रेरी में बुलाया गया। आप लोगों को पता है आपको यहाँ लाइब्रेरी में क्यों बुलाया गया? चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप नहीं बताना चाहते हैं तो। आज आपको एक बेहद ही खूबसूरत लव स्टोरी सुनाई जाएगी और पता है वो लव स्टोरी बाहर की नहीं, वो कोई और नहीं है, अपनी कॉलेज के स्मार्ट टैलेंटेड डैशिंग स्नेलिटी अनिमेश की। और मैडम आप आइए आइए आइए, निशा जी आइए आइए आइए, ये भी उस फिल्म की हीरोइन है। तालियां हमारे आज के हीरो हीरोइन के लिए प्लीज, तालियां बजाओ ना। ताली क्या है? ताली मारो। क्या बात है, चलो ऐसा कर अपने प्यार का इजहार कर। और देखो इजहार भी नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा करो कि बोलना ना पड़े, खुद ब खुद बात समझ में आ जाए मेरी ऑडियंस, बस
कि सर प्रिंसिपल सर ने प्रॉमिस किया था कि वो सारे सीनियर्स को पनिश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि छुट्टी खत्म होने के बाद मैं दोबारा उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी। और अनिमेश भी बहुत परेशान था, शायद इसी वजह से वो किसी को बिना कुछ बताए कहीं चला गया होगा। अब सवाल है अनिमेश का, आखिर कहां गया अनिमेश? क्या वो रैगिंग के डर से कहीं भाग गया था, या फिर ये कहानी कोई और मोड़ लेने वाली थी? आपको पता था कि आपके कॉलेज में इस तरह की रैगिंग हो रही है, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया? मेरे बेटे का एक्सीडेंट तक हो गया और आप चुप रहे। प्रोफेसर, रैगिंग कौन सी कॉलेज में नहीं होती है। हाँ, बात रही एक्सीडेंट की, तो आपके बेटे ने खुद मना किया था आपको बताने के लिए। सर, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रोफेसर, आप खुद एक प्रोफेसर हैं कॉलेज में, आप तो जानते हैं ऐसी रैगिंग होती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई कहीं भाग जाए। मिस्टर विनाश, निशा की बातें सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आपका बेटा खुद ब खुद जानबूझकर रैगिंग से डरकर भाग गया है, कहीं जाके छिप गया है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो लौट आए। फिलहाल मुझे लगता है कि वो गिल्ट में है, कि वो घर जाकर आपको क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा। जब तक मेरे बेटे अनिमेश का पता नहीं चल जाता, हम घर नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे और यहीं रह के पता लगाएंगे कि आखिर मेरा बेटा गया तो कहां गया। और अभी अभी नारायणपुर बस डिपो के एक बेंच के नीचे से मिला एक बैग। इस बैग से आती बदबू ने खींचा सब लोगों का ध्यान अपनी ओर। बैग में मिला एक डेड बॉडी के कटे हुए टुकड़े, जिसका सर नदारद था। और इस खौफनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में पुलिस चौकन्नी हो गई है। मिस्टर अविनाश, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कुछ पता चला क्या? मिस्टर अविनाश, एक्चुअली में एक लाश मिली है। न्यूज तो आपने देखी होगी। इस न्यूज का हमारे बेटे से क्या लेना देना? कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए मिस्टर अविनाश, हमें सिर्फ एक लाश मिली है। वो लाश अनिमेश की है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। वो लाश किसी और की भी हो सकती है, बट इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो प्लीज संभालिए अपने आप को, चलिए मेरे साथ। विनाश आइए, प्लीज आइए। मिस्टर विनाश, वैसे तो ये बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसके कपड़े या फिर इसकी कोई निशानी देखकर आप पहचान सको तो प्लीज कोशिश कीजिए। अपने जवान बेटे की लाश सामने देखकर उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर कौन हैवान थे जिन्होंने इस बेरहमी के साथ अनिमेश का कत्ल कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि एक सीधे साधे लड़के की जान ही ले ली गई? अनिमेश के भविष्य और उसके माता पिता के सपनों को चकनाचूर करने के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए, लाश की हालत बहुत खराब है, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लूटपाट का भी कोई निशान नहीं मिला है। फिलहाल हमें अपनी छानबीन जो है हॉस्टल से शुरू करनी पड़ेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ क्लियर हो गया कि आपके बेटे का खून सर्जिकल नाइफ से हुआ है। सर,
सर्जिकल किट तो फर्स्ट ईयर में ही हम लोग स्टूडेंट को दे देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने और समझे। मिला सर? शायद ऐसा लगता है कि मैंने किसी दोस्त को दे दिया, याद नहीं आ रहा मुझे। तो तूने अपना सर्जिकल किट किसे दे दिया है? यस। तो तुझे याद नहीं है? जी। बेटा एक काम करो, अपने दिमाग में जोर दे और याद कर किसे दिया है, और मुझे पुलिस स्टेशन में के बताओ, इंतजार करूंगा मैं तेरा, ठीक है? चलो। सब वैसे फर्स्ट ईयर वालों से तो इतनी पहचान नहीं है, लेकिन सीनियर को हम सबको जानते हैं। मुझे विपुल के बारे में बताओ, तुम्हारे हिसाब से विपुल हॉस्टल से कब गया? छुट्टी शुरू होने के एक दिन बाद ही विपुल निकल गए थे। तुम्हें अच्छे से याद है? हाँ साहब, क्योंकि उनका सूटकेस उठवाने में मैंने ही मदद की थी। क्या था उसमें? किताबें ले जा रहे थे वो उसमें। किताबें? जी। लाल सिंह, इस सूटकेस को देखकर बताओ, क्या ये वही सूटकेस है? हाँ साहब। अच्छे से सोच लो। हाँ साहब, मैंने देखा था, यही था। कुछ नहीं किया तूने? क्या ये? सर, हमारी स्टडी बर्बाद हो जाएगा। लड़का मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था इंस्पेक्टर। मैंने उसको बहुत बार कहा कि तुम निशा से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। वो मानता नहीं था मेरे को। जब मैंने उससे कहा कि तुम एक दूसरे को किस करो, उसने प्रिंसिपल से जाकर मुझे शिकायत कर दी। शर्म नहीं आई ऐसा भद्दा मजाक करते हुए? ये भी कोई मजाक है? ऐसी होती है रैगिंग। मैं मारना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर उसे, बस उसे सबक सिखाना चाहता। दूसरे दिन में सूटकेस लेकर दूसरे स्टेशन पर चला गया। वो सूटकेस मैंने वहीं किसी बस स्टैंड पर रख दिया, और प्लास्टिक का बैग लेकर जिसमें उस लड़के का सर था वो किसी नाले में फेंक दिया। विपुल, तूने सिर्फ उस लड़के को नहीं मारा, बल्कि साथ में अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। सर, हमारा एक ही बच्चा था जिसे रैगिंग के नाम पर हमसे छीन लिया गया, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है सर, ये वायरस पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। सर, हमने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की, और जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए उसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे सर। सर, पिछले 10 साल में 250 बच्चों ने पढ़ाई छोड़कर अपने भविष्य की बलि चढ़ा दी, क्योंकि रैगिंग के डर से वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं। हमारे बेटे अनिमेश की तरह स्टूडेंट्स को रैगिंग के नाम पर मार दिया गया। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस रैगिंग के खिलाफ एक सख्त कानून लाइए, ताकि इस रैगिंग जैसे कैंसर से समाज को मुक्ति मिले। प्रोफेसर अविनाश ने हार नहीं मानी, उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे की मौत को जाया नहीं जाने देंगे, और कानून को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया उन्होंने, अदालतों और मंत्रालय के चक्कर काटे, अब जनता में भी रैगिंग के इस नासूर के खिलाफ आक्रोश की आवाजें उठने लगी। नतीजा ये हुआ कि कानून में कई संशोधन किए गए, नए कानून पारित किए गए, जिनके तहत
रैगिंग को एक जुर्म करार दिया गया। इस कानून के पास होने के बाद अनिमेश का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एक नए नजरिए से इसकी सुनवाई हुई। पूरे मामले में गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विपुल सक्सेना पर लगाए गए सारे इल्जाम सही हैं। लिहाजा ये अदालत इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत मुलजिम विपुल सक्सेना को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इन सारी कोशिशों के परिणाम स्वरूप आज हालात में काफी सुधार हुआ। एचआरडी मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में रैगिंग के कुल 195 मामले दर्ज हुए थे और सन 2011 में 161, यानी 17.4% की कमी। धीरे धीरे ही सही, पर बदलाव आ रहा है। आज छात्र डर और आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर नहीं है। उन्हें ना तो रैगिंग सहने की जरूरत है, ना ही किसी के डर से चुप रहने की। वो आवाज उठा सकते हैं और हम सब मिलकर रैगिंग के इस नासूर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। प्रोफेसर अविनाश आज भी रैगिंग के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। उनकी यही कोशिश है कि उनके बेटे की तरह किसी और होनहार नौजवान को रैगिंग की वजह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। उनके इस जज्बे को सावधान इंडिया सलाम करता है और हम सभी नौजवान स्टूडेंट्स से प्रार्थना करते हैं कि अगर वो अपने आसपास या अपने स्कूल कॉलेज में रैगिंग होते हुए देखें तो उसे रोकने की कोशिश करें, और अगर ना रोक पाए तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए है, ऐसे शोषण की वहां कोई जगह नहीं। और सभी माता पिताओं से हमारी यही विनती है कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। जो वो कहते हैं उससे ज्यादा उन बातों को समझने की कोशिश करें जो वो कह नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर अपने बच्चों का मन आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझ पाए। याद रखें, आपके अपनों की सुरक्षा आपके हाथ में। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरक सत्य कथा के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।